हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्वांट स्टडी। आई एम मुजस्सम अख्तर। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं आपका JKSSB क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके लिए इंग्लिश का पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, जो कि टोटल 20 मार्क्स का है। उसमें से ऑलरेडी हमने आर्टिकल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डिटरमाइनर, स्पेलिंग्स, मैं आपको ड्रॉ करके, एंटोनिम्स, ये आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डिटरमाइनर, स्पेलिंग्स ऑलरेडी कम्प्लीट कर दिया है। प्रपोजिशंस के हम दो पार्ट्स कर चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। प्रपोजिशन का पार्ट वन और पार्ट टू अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जो कि चैनल पे है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पार्ट थ्री करेंगे, इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम वही प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ अ थर्स्ट। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन होता ऑफ़ का तो आप डेफिनेटली वो यूज़ करते, लेकिन आपका आपके पास ऑप्शन नहीं है। द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ अ थर्स्ट डैश सक्सेस एंड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको क्या करना होता है ऐसे एग्जाम्पल्स में, यहाँ पर ये जो फिल अप है ना, ये आपको फिल करनी होती है। देखिए ऑप्शन ए आपके पास क्या है, इन। अब द प्रेजेंट जनरेशन हैज़ अ थर्स्ट इन सक्सेस तो नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पर देखिए फॉर आपके पास पड़ा हुआ है ऑप्शन। आप, मुझे उम्मीद है आपने अगर अभी तक आपने पिछले जो लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि फॉर यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आप, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर्स इसके प्रिपोजिशंस के, या फिर कोई और भी आप देखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक द बैंक शुड बी ओपन। देखिए हमने पढ़ा था एग्जैक्टली मतलब किसी टाइम के बारे में बात करना, तो देखिए हमने बाई का यूज़ किया था वहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, बाई, बाई से फिल हो जाएगा, ठीक है। बाई जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑफ नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट टाइम के जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हम बाई यूज़ करते हैं, मतलब प्रपोजिशंस ऑफ टाइम में जब हम ये एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई कांट इवन थिंक डैश ट्रैवलिंग बाय एनी अदर वे एक्सेप्ट बाय माय ओन कार। तो एक्सेप्ट माई ओन कार है यहाँ पे। तो आपने कंडीशन, देखिए यहाँ पर क्या है, कंडीशन है, तो कंडीशन में हम क्या यूज़ करते थे, ऑफ़ यूज़ करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑफ़ हो जाएगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी ये सब आते हैं तो आई कैन टेल यू ओनली वन थिंग, कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, यू कैन लीव द वीडियो अगर आपको ऑलरेडी आते हैं, ओके। नेक्स्ट, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश टू डेज। देखिए मैंने आपको ऐसी कंडीशन में क्या कहा था, सिंस, या तो सिंस यूज़ होता है या तो फॉर यूज़ होता है, फ्रॉम और इन नहीं यूज़ होगा। तो लेकिन यहाँ पर भी आप डिसाइड करना क्या, कैसे सिंस या फॉर कैसे यूज़ होगा यहाँ पे। एक देखिए, अगर यहाँ पे मंडे होता, संडे होता, कुछ पर्टिकुलर डेट होता तो हम क्या यूज़ करते थे, हम सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू डेज है, मींस हम फॉर यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक जो है यहाँ पर टाइम नहीं बताया, मतलब डेट नहीं बताया हमने, इसलिए हम फॉर यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम डैश क्यूइंग अप टू पे बिल्स। अर्लियर पीपल वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर तो आप सिंपली समझ सकते हैं ये भी एक स्टेट है, इन वाली स्टेट यहाँ पर आ गई है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस तरह से हम ये आंसर्स कर रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड यू पीपल टू वॉच द अर्लियर वीडियोज़ इफ़ यू हैवंट येट। नेक्स्ट बात करते हैं, वी ड्रोव डैश उत्तराखंड यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर।
तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, थ्रू वाली कंडीशन, याद है आपको? याद होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि उसमें क्या पढ़ा था हमने, किसी के थ्रू मतलब किसी की साइड से या फिर किसी के एंड से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, थ्रू यूज़ होगा, विड्रॉ थ्रू उत्तराखंड, यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। नेक्स्ट, आफ्टर यू गेट डैश द बस वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टिल द चर्च, ठीक है? अब एक और कंडीशन हमने पढ़ा था, देखिए जब हम किसी के मतलब नीचे की तरफ हम बात करते हैं उतरने की, तो वहाँ पे हम ऑफ़ यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ को क्लोज़ करने के लिए जैसे कि टर्न ऑफ द टीवी, वहाँ पर भी हम ऑफ़ ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आपका ऑफ़ हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है सब कुछ किस तरह से चीज़ें होती हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो ये है ना, ये गलती से दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है, ये नहीं है, आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। देखिए, आई एम अ बिट वीक डैश साइंस सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स मतलब ये ओवरऑल साइंस की बात कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स है। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की। यहाँ पर देखिए बिट वीक, तो पोजेश मतलब किसी के अंदर, ठीक है उसमें, ठीक है किसमें, साइंस में। तो ये मैंने आपको, ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि इन यूज़ होता है, ऐसे ऐसे जो कंडीशंस होते हैं उनमें इन यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फिल्म थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड डैश एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मैंने कहा था आपको कि ऑन यूज़ होता है ऐसी कंडीशंस पे, ऑन जो है वो भी क्या मतलब दिखाता है, किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है मतलब किस कंडीशन के ऊपर, ठीक है, ऑन ऑन सर्टेन कंडीशंस वी यूज़ ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डू यू टेक फ्राइड डैश योर अपियरेंस। ये जो है इस मतलब सीरीज़ का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका कमेंट्स मतलब मैं चाहता हूँ कि इसका जो है आंसर आप कमेंट्स में करें तो बेटर रहेगा, इसका मैं आंसर नहीं बताऊँगा, तो आप खुद ही कमेंट्स में करें, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आपको समझ में आया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।